आज हम डिस्कशन करेंगे इनपुट बायस करंट के बारे में। इनपुट बायस करंट जो कि एवरेज होता है टू इनपुट बायस करंट का। ओपैम पे टू इनपुट्स होती हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। इस पे दो बायस करंट होते हैं, इन्वर्टिंग पे IB2, नॉन इन्वर्टिंग पे IB1। तो जो बायस करंट होता है वो एवरेज होता है दो इनपुट बायस करंट का। बायस करंट इसे आईबी से डिनोट करते हैं। आईबी इज इक्वल टू IB1 प्लस IB2 अपॉन 2। ये शो करेगा एवरेज, जिसमें IB1 शो कर रहा है, ये देखिए IB1 जो कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, डीसी बायस करंट फ्लो इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट। एंड IB2 शो कर रहा है डीसी बायस करंट फ्लो इन इन्वर्टिंग इनपुट। ये तो हो गया हमारा बायस करंट। अब इसके बारे में और देखते हैं। हम दोनों इनपुट्स को क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। कोई भी इनपुट वोल्टेज सप्लाई नहीं है, और लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है उसमें क्या होता है कि जो सप्लाई वोल्टेज नेसेसरी होती है बायस के लिए, ओप एम्प की प्रॉपर्टी है। जो इनपुट बायस करंट होता है IB1 और IB2, वो क्या होता है, बायस करंट होता है दो ट्रांजिस्टर्स के लिए उनके इनपुट पे, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की स्टेज होती है ओप एम्प की। और जो दोनों इनपुट ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो कि बेस पे होता है ट्रांजिस्टर के, वो आइडेंटिटिकल होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो आई बी वन बायस करंट है वो IB2 के इक्वल हो। ये जरूरी नहीं होता कि दोनों इक्वल हो, क्योंकि इसमें जो इंटरनल इम्पीडेंस होता है ओप एम्प में, दोनों इनपुट के इम्पीडेंस की वजह से वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। लेकिन इस जो टॉपिक है इसमें हम करेंगे एक स्पेसिफाइड इनपुट बायस करंट यानी IB, जिसमें हम डिनोट करेंगे कि IB इज इक्वल टू होता है IB1 इज इक्वल टू होता है IB2, यानी ये इक्वल करेंगे इन दोनों को। जो वैल्यू होती है इनपुट बायस करंट की IB की, वो स्मॉल होती है, जो कि 100 नैनो एम्पियर्स में होती है, कुछ 100 नैनो एम्पियर्स में। इसमें जो बायस करंट होता है वो 741 के लिए 500 नैनो एम्पियर होता है मैक्सिमम, जिसमें सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस 15 वोल्ट डीसी की होती है। ये प्लस में और माइनस में होगी, क्योंकि प्लस माइनस होती है, प्लस डीसी से माइनस भी यही लेते हैं। ये तो हमारे बायस करंट की डिस्कशन हुई। जो इनपुट बायस करंट होता है उसकी वजह से आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है कभी कभी, क्योंकि लार्ज फीडबैक रेजिस्टेंस की वजह से। इसमें रिलेटिव जो यूज करते हैं, लार्ज फीडबैक रेजिस्टेंस का रेजिस्टर का यूज करते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज होगी ऑफसेट वोल्टेज वो ज्यादा नहीं होती। लेकिन किस वजह से, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से, कई बार बायस करंट की वजह से भी आउटपुट ऑफसेट में वो हो जाता है, फर्क पड़ता है। लेकिन इसके लिए हम बहुत सारे प्रिकॉशंस करते हैं ताकि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इंक्रीज ना हो। अब हम इसमें एक एक्सप्रेशन करेंगे, यानी कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो कि इनपुट बायस करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है, जिसको VOIB से डिनोट करते हैं, यानी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो कि बायस करंट की वजह से है, जो कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे प्रोवाइड किया जाता है ओप एम्प पे। इसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, कैसे वो देखेंगे। नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल को जब इनपुट वोल्टेज दोनों पे ग्राउंड कर दिया जाए, जीरो वोल्ट कर दिया जाए, देखिए ना तो V1 पे कोई वोल्टेज प्रोवाइड है इनपुट वोल्टेज, ना ही V2 पे कोई इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड है, दोनों को जीरो कर दिया। तो हम एज्यूम करते हैं कि इस केस में जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो है जीरो। अगर वो जीरो है तो कोई भी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज नहीं होगी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से, क्योंकि वो जीरो है। लेकिन जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है बायस करंट की वजह से वो प्रोड्यूस हो जाती है। इसमें क्या होगा कि ये देखिए, ये फिगर शो किया गया है, ये इंटरनल फिगर शो किया ओप एम्प का, जिसमें फीडबैक रजिस्टर R1 के साथ कनेक्टेड है और दोनों इनपुट टर्मिनल्स को ग्राउंड किया गया है। आउटपुट है VOIB, जिसमें V1 इज इक्वल टू है जीरो, V1 इज इक्वल टू है जीरो, और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जिसको हमने एज्यूम किया है जीरो।
और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है आर ओ, वो बहुत उसकी वैल्यू जो है स्मॉल है, उसको हम नेग्लिजिबल लेते हैं। तो इस टाइम पे आर वन और आर एफ, ये है आर वन और आर एफ, ये क्या है पैरेलल है, और आई बी टू यानी कि बायस करंट टू फ्लो कर रहा है इनके थ्रू। अब इसमें देखिए V2 यहाँ पे क्या, V1 तो जीरो है, V2 इज इक्वल टू हो गया R1, पैरेलल है R, R1 किसके पैरेलल है RF के, R1 पैरेलल है RF के, और IB2 यहाँ से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है। अब V2 किसके इक्वल हो सकता है, R1 into RF upon R1 plus RF into IB2, क्योंकि R1 और IF पैरेलल है। अब नोड टू पे यहाँ पे क्या वोल्टेज होगी, I1 plus I2, देखिए एक करंट यहां से है और ये फीडबैक वाला करंट, अगर ये दोनों करंट मिल रहे हैं तो यहाँ पे IB2 यानी कि बायस करंट 2 प्रोड्यूस हो रहा है, यानी I1 plus I2 is equal to IB2। अब इसमें I1 किसके इक्वल है, I1 is equal to है V1 minus V2, V1 minus V2 upon R1, और I2 किसके इक्वल है VOIB माइनस वी टू अपॉन आर एफ, और ये है इज इक्वल टू वी टू अपॉन आर वन, यानी आई बी टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन आर आई के। अब वी वन तो हमारे पास है जीरो, ठीक है ना, वी वन को हमने जीरो पुट किया था, इसमें जो वी ओ आई बी है ये शो कर रहा है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द इनपुट बायस करंट, और आर आई शो कर रहा है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑप एम्प। अब V1 क्या है, V1 ग्राउंड है, जीरो है, तो V1 को जीरो पुट कर दिया। इस इक्वेशन को हम फिर से रीअरेंज करेंगे, कैसे, V O I B तीनों में से क्या, इसमें से V2 को कॉमन ले लेंगे, V2 यहाँ पे आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF प्लस 1 अपॉन RI, यहाँ पे ये आ जाएगा V O I B अपॉन RF, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई है, और ये जो आर आई इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे इनपुट रेजिस्टेंस भी होता है ऑपएम्प का, ये एक्सट्रीमली हाई होता है जो कि इनफाइनाइट होगा। अब हमारे पास ये रीअरेंज किया था, आर आई की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, तो वन अपॉन आर आई इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, उसको हमने क्या कर दिया है, पुट कर दिया है जीरो को, यहाँ पे जीरो पुट कर दिया, और यहाँ से इसको क्या एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, और V2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ये वाली V2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास V2 की वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन आएगी। इसमें देखिए कि जो ये इक्वेशन है इसमें R1 plus RF upon R1 RF, R1 RF, R1 plus RF ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो VOIB किसके इक्वल आएगा, VOIB is equal to RF into IB2 के इक्वल आएगा, इस तरह से यही आएगा हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास आई है, ये जो हमारे बायस करंट की वजह से आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, यानी कि फीडबैक रेजिस्टर RF का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, और IB1 इज इक्वल टू IB2 के, और IB2 इज इक्वल टू IB के, तो हम इसको IB से पुट कर सकते हैं IB2 को। इसमें आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ स्कीम्स का यूज करते हैं, और कितनी अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होगी इनपुट बायस करंट की वजह से, वो फीडबैक रेजिस्टर की वजह से आरएफ की वजह से स्पेसिफाइड की जाती है, यानी आरएफ की वैल्यू हमें स्पेसिफाइड लेनी पड़ती है ताकि हमारा इनपुट बायस करंट की वैल्यू है वो प्रॉपर जाए, और इस तरह से हम इसको आरएफ को कंट्रोल करके हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, और एलिमिनेट करने के लिए आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को जो कि इनपुट बायस करंट की वजह से आती है, उसमें हम कुछ स्कीम्स का यूज करते हैं, इसके बारे में अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये हमारे इनपुट बायस करंट की इंट्रोडक्शन थी। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोज के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you.